हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अर्चना स्पेशल डिजाइनिंग। आज का हमारा टॉपिक है बोज एंड टाई। सो व्हाट इज़ द बो? यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स बनाए हुए हैं, सो इस पे से आपको समझ में आता होगा कि ये जो शेप्स होते हैं ये मैंने बो ड्रॉ किए हैं एंड दिस साइड मैंने टाई ड्रॉ किया है। सो नाउ यू कैन सी हियर बो, ये जो हेयर बेल्ट है इसमें ये बो है यहाँ पे अटैच किया हुआ। नाउ सेकेंड दिस वन, सो यहाँ पे भी ये बो है बनाए हुए। सो बो जो होते हैं उनका यूज़ गारमेंट्स में एंड एक्सेसरीज में काफ़ी यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ चिल्ड्रंस वेयर में ज़्यादा बो यूज़ होते हैं। उसी के साथ साथ टाई जो होते हैं, टाई का यूज़ जो होता है फॉर्मल वेयर्स में बहुत आपने देखा होगा। सो लाइक हियर ये जो टॉप है, सो इन दिस नेक टाई है। सो ये जो टाई कॉलर यहाँ पे लगाया हुआ है, सो हियर बो एंड टाई कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। उसी के साथ साथ फॉर्मल वेयर्स में टाई जो पहने जाते हैं ब्लेजर्स के साथ, वो भी आपने आपको पता होगे। सो नाउ उनका ड्राइंग या स्केचिंग कैसे करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो सबसे फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि वो कैसे बनाए जाते हैं। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एक फैब्रिक जो होता है कपड़ा है उसका ऐसे रेक्टेंगल पीस लेना है, सीधा उसको स्टिच करना होता है हाथ से या मशीन से, और उसको खींचना है, मतलब गैदर्स लेने हैं। सो इसको खींचने के बाद क्या होता है कि आपका जो फैब्रिक होता है वो यहाँ पे गैदर्स आ जाते हैं और ये ऐसे दिखाई देता है। या आपने किसी कपड़े को समझो सेंटर में ऐसे पिंच किया, पकड़ लिया, तो वो बन जाता है। सो उसी प्रकार से उन्हें आपको दिखाना है इफेक्ट। सो बो के बहुत सारे शेप्स होते हैं, एक तो गैदर्ड भी होते हैं। सो जैसे मैंने ये आपको दिखाया है कि इनमें गैदर्स लिए हुए हैं। सो बेल्ट में आपने देखा तो ये सेंटर जो है यहाँ पे सेंटर में गैदर्स दिखाई दे रहे हैं। सो गैदर्स के भी होते हैं या समटाइम्स विदाउट गैदर्स के, जस्ट शेप कट करके भी हम बना सकते हैं। अब बो जो है उसके अलग अलग पैटर्न्स आपको सीखने होते हैं कि क्या है कि हमेशा सेम टाइप के बो नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो आपको अलग अलग टाइप के बो जो है उसको बनाना सीखना है। तो ऑन पेपर आपको शेप्स ड्रॉ करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेंटर में ऐसे पैच लगाऊंगी एंड देन इसके साइड में मेरा जो बो होगा सिदस, मैंने ये क्रिएट किया है। ओके, इस टाइप का मेरा बो होने वाला है एंड आई विल अटैच हैंगिंग्स हियर। ओके, सो दिस इज द बो पैटर्न। नाउ मैं बताऊंगी कि इसमें डबल लेयर दिखाना है। सो मतलब ये जो है डिफरेंट फैब्रिक्स, जैसे ये लाइट पिंक है तो ये डार्क पिंक होगा, या दिस इज़ द ब्लैक एंड ये पिंक होगा। सो आपको जैसे बनाना है वैसे आप वो बना सकते हो, पर आपके माइंड में कुछ भी शेप होगा। सो जैसे बटरफ्लाई, तो वो शेप आप क्या करो, ऑन पेपर ड्रॉ करो एंड देन उसका सैम्पल आप बना के देखो कपड़े से। ओके, सो इट्स वेरी इजी। बहुत सारे पहले बेसिक से स्टार्ट करना और फिर अलग अलग पैटर्न्स आप ड्रॉ करो एंड देन उसका सैम्पल बना के देखना कपड़े से। सो दिस इज द बो। बो हमने देखा यहाँ पे कैसे ड्रॉ करने हैं। नाउ द टाई जो है, टाई यहाँ पे टाई के भी बहुत सारे पैटर्न्स मैंने यहाँ पे बनाए। दिस इज द बेसिक टाई। सो इसे कैसे ड्रॉ करना है सी, ये एक फर्स्ट हम नेक लाइन दिखाते हैं, कॉलर होगा, फिर उसके बाद ये जो नॉट आता है टाई में, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रोक देना है। हम ड्राइंग जो है, ईच एंड एवरी ड्राइंग विल बी इन अ स्ट्रोक। हमें बेसिक जो होता है प्लेन लाइंस कहीं नहीं दिखाने हैं, स्ट्रोक्स में ही आपको ड्राइंग करने हैं। अब ये जो टाई है इसका ये जो बॉटम है, टाई में क्या पैटर्न बन सकता है? सो लाइक ये जो बॉटम है आप ये वी शेप दिखा सकते हो, यहाँ पे मैं राउंड शेप दिखा सकती हूँ, और आपको जो भी लगता है कि मैं राउंड शेप अच्छा लगेगा या फिर आपको कुछ क्रॉस पैटर्न देना है मुझे, तो ये दीज आर योर ओन पैटर्न, या मुझे स्ट्रेट रखना है। ओके, सो ये आपको क्या करना है, ड्रॉ प्रैक्टिस करना है, और फिर आप जो ड्रेस डिज़ाइन करते हो उसमें आपको ये वेरियस पैटर्न्स आपको देने हैं आपके ड्रेस के साथ। लाइक मुझे लेयर पैटर्न दिखाना है, मतलब डबल टाई में दिखाती हूँ यहाँ पे डबल लेयर। सो दिस इज माई टाई पैटर्न, और अगेन
यहाँ पर सेंटर में कुछ हैंगिंग्स आ रहे हैं और इनमें ऐसे कुछ जैसे बीडेड ये माला है या मोती की कुछ माला ऐसे ऊपर से आने वाली है। सो नीचे ये फैब्रिक होगा एंड उसके ऊपर से की सो जैसे पार्टी वेयर है और पार्टी वेयर के साथ मुझे टाई दिखाना है तो मैं इस तरह का टाई में डिज़ाइन करूँगी। सो दिस इज़ द फॉर्मल वेयर के साथ हम ये बेसिक टाई होता है और उसका ये मैंने इनोवेटिव पैटर्न मतलब डिज़ाइनर पैटर्न मैंने यहाँ पे टाई का बनाया हुआ है। जस्ट उसी तरह से मैंने आपको जो सैम्पल दिखाया उसमें जो है कि वो मतलब सिंपल है नॉट बांधने के बाद वो देन उसके स्ट्रिंग्स इसे ऐसे ड्रॉ किया जाता है। देन इसे कारवेट कहते हैं। सो जब टाई नहीं पहनना है तब कारवेट्स को यूज़ किया जाता है इंस्टेड ऑफ टाई मोस्टली फॉर्मल वेयर्स में या ब्लेजर्स के साथ भी ये पहना जाता है लाइक दिस। सो ये जो ट्रायंगल पीस आ रहा है यहाँ पे सो दिस इज कारवेट। ये एक मैंने लेयर्ड पैटर्न दिखाया है कि जैसे ये नेक होगा उसके अंदर से एक ऐसे फ्रिल आ रहा है सेकेंड फ्रिल थर्ड फ्रिल। सो दिस विल बी द पैटर्न। आपको जैसे बनाने हैं वैसे आप यहाँ पे पैटर्न्स बना सकते हैं। ये एक मैंने दिखाया है कि ये नेक होगा यहाँ से एक लाइन है फिर यहाँ पे ये कैस्केड इफेक्ट हो रहा है। सो यू डिसाइड आपको कैसे करना है और अलग अलग पैटर्न्स आप ड्रॉ करके देखना और उसी के साथ साथ उनको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस में आप उन्हें ट्राई करो। सो आई थिंक सो बोज एंड टाई जो है उसका असाइनमेंट आपको समझा है। इन्हें कलर करना है तो हमने बहुत सारे असाइनमेंट कलर में किए हैं। सो लेट्स एक मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ तो लाइक दिस। सारी जो पैटर्न्स आप पेंसिल से ड्रॉ करने वाले हो फर्स्ट पेंसिल एंड देन कलर में उसे करो बिकॉज क्या है कि कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा वो भी आपको बताना होता है मोस्ट ऑफ कि आपका डिज़ाइन तो आपने बनाया है बट ऑन फैब्रिक एक्चुअल में वो कैसे दिखने वाला है दैट विल बी द कलर्स भी वो इफेक्ट आपको ज़्यादा समझ में आता है। सो दिस इज़ द बो एंड मुझे इस पर ऐसे सिक्वेंस मतलब मैं इस पर टिकली लगाने वाली हूँ। स्ट्रोक्स देने हैं आपको स्ट्रेट और फिर इन्हें कलर करना है। टाई भी आप प्रिंटेड भी दिखा सकते हो या फिर मोस्टली टाई में ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं। सो दिस इज द बेसिक ये मैं बेसिक दिखा रही हूँ आपको। सो मैंने ये कॉमन पैटर्न यहाँ पे दिखाया है। नाउ सो यू कैन सी हियर कि मैंने बो एंड टाई जो आपको सिखाया है और विद डैट की बहुत सारे वेरिएशंस उसके दिखाए हैं एंड उसमें हमने कलरिंग भी देखा है कि कैसे कलर इफेक्ट दिखाना है। यू डू द प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग अर्चनाज फैशन डिजाइनिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू।